वेलकम टू इज़मा कुकिंग कॉर्नर। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग फ्राइड मसाला मैगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिसको बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 पैकेट्स मैगी, 1 मीडियम साइज चॉप्ड टोमेटो, 2 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन, 1/2 चॉप्ड कैप्सिकम, 1/2 चॉप्ड कैरेट, 2 to 3 चॉप्ड चिली, थोड़े से मटर जिसको मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, 3 मैगी मसाला पैकेट, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 एग। आइए अब हम मैगी को बॉईल कर लेते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। मैगी को बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें पानी ले लिया है। अब मैगी को हम उसमें ऐड कर देंगे। और याद रहे, मैगी को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का कच्चा ही रहना चाहिए। जब तक हमारी मैगी बॉईल हो रही है, तब तक हम उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम चिली को ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें हम चॉप्ड ऑनियन को ऐड कर लेंगे। ऑनियन ऐड करने के बाद उसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर हल्का गोल्डन ना आ जाए। अब इसमें हम टोमेटो को ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए टोमेटो को पकाएंगे। याद रहे, फ्लेम हाई पे ही होना चाहिए और इसको बीच बीच में चलाते रहें। आइए अब इसमें अंडे को ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम कटी हुई सब्जियों को ऐड करेंगे। आप चाहे तो सब्जी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम मसालों को ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें हम मैगी को ऐड कर देंगे। मैगी डालने के साथ साथ इसमें हम मैगी मसाला भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैगी रेडी हो चुकी है, आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं।